तो महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर है कि आखिरकार शिवसेना कैसे मान गई है। जहां दोस्तों यहां पर अमित शाह का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया है और अमित शाह को मिल चुकी है उद्धव जी के द्वारा। हाँ जी हाँ दोस्तों, संजय राउत का भी यहां पर बयान जारी किया है जिसमें साफ तौर पर पहले उन्होंने कहा था कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और राज्यपाल से किसी भी वक्त वो सरकार बनाने को जा सकते हैं। लेकिन अभी अभी यहाँ पर संजय राउत का बड़ा बयान है कि अब बीजेपी के साथ ही वो सरकार बनाएगी। अंतिम समय तक यहाँ पर बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उसको निभाने की बात कर रही है। आखिरकार शिवसेना को क्या देना पड़ा बीजेपी के लिए तभी जाकर वो मानी है, और अमित शाह ने ऐसा क्या यहाँ पर प्लान भी तैयार किया जिसको सुनकर एनसीपी कांग्रेस में हड़कंप सा मच चुका है। जहाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह और यहाँ पर मोदी सरकार की मंत्रणा चल रही थी काफी समय तक, और इसी के बाद अब यहाँ पर अमित शाह का प्लान भी सक्सेसफुल हो चुका है। जहाँ दोस्तों अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जो 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी हुई थी, लेकिन खबर अभी अभी आई है कि 5 नवंबर को यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ यहाँ पर शिवसेना को एक बड़ा पद भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है, जिसके बाद शिवसेना कहीं ना कहीं पूरी तरह से नरम पड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि अब यहाँ पर बीजेपी की जो राजनीति है उसने अंतिम रूप ले लिया है, क्योंकि अगर 8 नवंबर तक यहाँ पर सरकार का गठन नहीं होता है तो राज्य में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जो बीजेपी और शिवसेना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष का बड़ा बयान यहाँ पर जारी किया है और बीजेपी अपने प्लान बी के साथ अपने मंत्रियों को शपथ दिलाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कौन वो यहाँ पर विधायक होंगे जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। अब शिवसेना को कौन सा मंत्रालय यहाँ पर मिलने वाला है, ये बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में जल्द बीजेपी सरकार बन जाएगी शिवसेना की मदद से ही संभव है। 5 नवंबर के लिए बुक किया गया वानखेड़े स्टेडियम, और वानखेड़े स्टेडियम में फडणवीस सरकार बनने जा रही है। तो महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर अब तक जो यहाँ पर पैच था वो एकदम साफ हो चुका है। वहीं एनसीपी नेता ने भी साफ कहा है कि अगर शिवसेना चाहे तो वो उनके साथ सरकार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी है। अगर यहाँ पर कांग्रेस अनुमति दे देती है, ये आपको पता होगा कि कांग्रेस यहाँ पर बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में हो सकता है। बीजेपी के 105 और शिवसेना की 56 मिलाकर सरकार बन जाती है और ये सबसे सटीक फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है। संभावनाएं अभी भी एनसीपी जता रही है, लेकिन कांग्रेस का साथ देगी या नहीं ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन एनसीपी तरफ से साफ तौर पर शिवसेना के साथ सरकार बनाने को है और मुख्यमंत्री पद शिवसेना का ही होगा, ऐसी खबरें यहाँ पर अब तक निकल कर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर शिवसेना जो है वो अब मान चुके हैं बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर किस पद को लेकर अब यहाँ पर शिवसेना मान जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी बता रहे कि 9 नवंबर तक नई सरकार बन जाना चाहिए वरना राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर बीजेपी के साथ शिवसेना सरकार नहीं बनाती है तो कहीं ना कहीं राज्य में वापसी कर सकती थी कांग्रेस, एनसीपी मिलकर शिवसेना के साथ सरकार बना सकती थी, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी प्लस शिवसेना की सरकार बनना चाहिए? तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।